Sir, every fluctuation. समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. टुडे 3rd जुलाई 2019 वेनसडे है. सुबह के 8:25 हो रहे हैं. आज तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का. कल बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का दिन है और उसके बाद बजट पेश होने वाला है. तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 2nd जुलाई आफ्टर मार्केट आर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आए बटन में आपको उसकी लिंक यहाँ मिल जाएगी. तो ये ब्रेकआउट लेवल बन रहा था हमारा कल के प्लान के अकॉर्डिंग अराउंड 11,889 के पास, और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,860 के पास. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. निफ्टी एग्जैक्ट हमारा ब्रेकआउट लेवल के पास ओपन हुआ और यहाँ से टुवर्ड्स साउथ की तरफ मूव करने लगा. जैसे ही ब्रेकडाउन लेवल ये ब्रेक होता है, हमारा फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट दोनों भी अचीव हुआ. और सेकेंड टारगेट का ये जो लेवल आइडेंटिफाई किया था, इसी के पास इसने सपोर्ट किया, काफी रिस्पेक्ट किया इस लेवल को, और एक ट्रिमेंडस बाउंस बैक मूव दिखाया यहाँ से. जब भी हमारा ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ उसके बाद, तो फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट भी यहाँ पर अचीव हुआ. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग 50 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करे थे तो अराउंड 37,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार और यूरोपियन बाजार में फिर से एक बार पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दिया, हरे निशान में बंद हुए. लेकिन आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो वहां पर दबाव देखने को मिल रहा है. जापानीज इंडेक्स निक्के 152 पॉइंट की गिरावट दिख रहा है, और चाइना मार्केट में 26 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है. डाउ फ्यूचर देखिए तो 36 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी 16 पॉइंट हल्के से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल मिला जुला कारोबार दिखाई दे रहा है. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. यहाँ पर लास्ट वीक हमने देखा था बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ था ये 3 निगेटिव कैंडल के बाद, और ये जब फॉर्म हुआ था तो यहाँ पर हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना था, यानी प्रीवियस कैंडल का हाई और लो से ये कैंडल का हाई और लो ऊपर था. तो अगर इस स्विंग लो को पकड़े तो यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू हमने ये लेवल्स को प्रोजेक्ट किया था. अभी फिलहाल ये 11,859 के ऊपर ट्रेड कर रहा है. अगर ये 11,950 का ये जो कल हमने रेजिस्टेंस का लेवल देखा था डेली चार्ट में कल के वीडियो में, अगर वो अगर ब्रेक करता है तो ऊपर हमें 12,000 के लेवल फिर से एक बार अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं. तो ये लेवल्स है अगर हम इसे स्विंग लो को पकड़े तो. नीचे सपोर्ट बना हुआ है, 20 EMA का फर्स्ट सपोर्ट है, जो कि लास्ट भी कुछ हफ्तों पहले इसने ब्रेक नहीं किया, फिर से यहाँ से बाउंस बैक हुआ है. तो 20 EMA फर्स्ट सपोर्ट होगा अराउंड 11,560 के पास है ये अभी, ठीक है. तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो. चलते हैं डेली चार्ट में. डेली चार्ट में देखे तो इसे अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद, ये जो डबल बॉटम फॉर्मेशन हमने देखा था उसके बाद अभी यहाँ पर हायर बॉटम्स बन रहे हैं, ये बुलिश साइन है. लेकिन अगर आप कल का ये जो कैंडलस्टिक का पैटर्न देखें तो ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा है. ये जब भी अप ट्रेंड में आता है तो यहाँ से डाउनसाइड मूव ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल यहाँ पर ये हमें दे सकता है. लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटीज है अभी यहाँ पर. अगर यहाँ पर ऐसा एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है और इसका लो ब्रेक करता है, इसका लो ब्रेक करता है और निगेटिव कैंडलस्टिक बनता है, तो इस पैटर्न का कन्फर्मेशन मिलेगा. अभी ये सिर्फ सिग्नल दे रहा है, पॉसिबिलिटीज है, ऐसा ही होगा कहा नहीं जा सकता, ठीक है. जैसे कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में देख पा रहे हैं. तो यहाँ पर अभी ये 11,950 का ये जो हमने लेवल कल यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर. ये पास्ट में इसने काफ़ी देर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, अगर ये क्रॉस कर देता है तो 12,000 के लेवल फिर से एक बार अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं. तो ये था डेली चार्ट का सिनेरियो. चलते हैं क्विकली 60 मिनट के चार्ट में. इंट्राडे स्ट्रेटजी, इंट्राडे लेवल्स आज क्या होंगी ये आइडेंटिफाई करते हैं. निफ्टी अगर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो कल का ये जो हाई है ये ब्रेक होने दे, तभी इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं. लास्ट टाइम यहाँ से ही फॉल आया था, ये आप देख सकते हैं ये जो फॉल है ये इसी लेवल के पास आया था. तो इस लेवल के ऊपर सस्टेन होने दीजिए 11,916, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट
फर्स्ट टारगेट होगा 11,946 जो कि पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा यहाँ पर 11,973 ये हमारा यहाँ पर सेकंड टारगेट होगा। नेक्स्ट फॉल यहाँ से आया है तो ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन रहा है यहाँ पर। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो भी इस पिवट पॉइंट को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए 11,880 को, और इसके बाद अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो एक क्विकली टारगेट होगा हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट 11,865, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,844। इससे पहले 20 EMA का मूविंग एवरेज आ रहा है तो हो सकता है ये एज ए सपोर्ट का काम करे। अगर ये ब्रेक होता है तो ये हमें 11,844 के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Thank you.